आज के इस वीडियो में मैं कोई कोई व्यक्ति को लेके कंपैरिजन करने वाला हूँ। आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठेगा कि आखिर तुम कोई व्यक्ति को लेके कंपैरिजन क्यों कर रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद 100% में से 99% व्यक्ति को जो है सो अच्छा लगेगा और इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीख प्राप्त होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। जया किशोरी जी VS बॉलीवुड क्वीन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बॉलीवुड क्वीन के बारे में। इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ये खुद को जो है सो अभी समझ रही है कि मैं बॉलीवुड का क्वीन हूं। 100% में से 99% जो है सो इसे बॉलीवुड की नचनिया मानती है। ये बॉलीवुड की क्वीन नहीं है, नचनिया है। सबसे पहले इस नचनिया को देख लीजिए, इसका नाम है करीना कपूर। इसका नाम करीना कपूर है। दोस्तों, हाल ही में जो है सो लाल सी चड्ढा फिल्म जो रिलीज हुआ था ना, तो इसमें ये नचनिया क्या बोले थे कि मैं किसी को ये मूवी नहीं कहता हूँ देखने के लिए, अगर तुम्हारा मन है तो तुम जाके देखो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम जाके मत देखो। पब्लिक को जो है सो इस प्रकार बोल रही थी ये, लेकिन नहीं समझे कि आज जो मैं जो कुछ हूँ ना, आज जो मैं बॉलीवुड का नचनिया भी हूं तो केवल पब्लिक की वजह से हूं। लेकिन ये पब्लिक को जो है सो चैलेंज कर रहे थे। आज वही चैलेंज जो है सो इस पे बहुत ही बड़ा जो है सो भारी पड़ा है। ये नचनिया पार्टी ये नहीं जानती है, तुम हीरोइन बनी ना तो उस समय में कोई फैसिलिटीज नहीं था, लेकिन अभी का अगर बात करोगे ना तो तुमसे जो है सो बेटर बेस्ट बेस्ट जो है सो लड़की, एक्टिंग करने वाली लड़की सब जो है सो अपने इंडिया में क्या है मौजूद है। लेकिन उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता है क्योंकि वो भारतीय संस्कृति समझती है, लेकिन तुम नहीं समझती हो। तुम उस पद को प्राप्त करने के लिए कहां गई होगी उसके बारे में तुम सोच नहीं सकती हो। ये पब्लिक को जो है सो सीधा-सीधा चैलेंज करती है, आप बताइए। और इसका फोटो अगर आप देखोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। इस फोटो को आप देखिए, इस फोटो में ये किस प्रकार का लग रही है, आप नीचे मुझे अवश्य कमेंट कीजिएगा। भारतीय संस्कृति को जो है सो किस प्रकार खराब की है। आप इसका ये देखिए कि प्रेग्नेंट, ये प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो इसका फोटो जो है सो डला के सोशल मीडिया पे बेचती है। अगर बॉलीवुड का दूसरा अगर बात करोगे तो इसे आप देखिए दोस्तों, इसका नाम क्या है जानते हैं आप? इसका नाम कंगना रनौत है, जो भी नाम हो दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इसे पद्मश्री पुरस्कार जो है सो दिया गया था। दोस्तों, अभी भी अगर आप सुनते होंगे ना तो आपको इस पे गुस्सा ज्यादा आता होगा। अभी भी अगर इसका मैं पद्मश्री पुरस्कार वाला फोटो अगर सोशल मीडिया पे अगर लगा दूं ना, अगर मैं इसमें अगर दे दूं कि इसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, तो लगता है कि 100% में से 99% पब्लिक इसको जो है सो गाली देंगे और सरकार को भी अच्छा नहीं करेंगे। सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे बॉलीवुड नचनिया को जो है सो पद्मश्री पुरस्कार मिल जाता है। इसका जो है सो तस्वीर देखिए आप, ये तो भारत की संस्कृति साफे जो है सो भूल जाती है। और इसे जो है सो बचाव के लिए जो है सो महाराष्ट्र की सरकार जो है सो बहुत सारे गार्ड भी देते हैं इसे बचाने के लिए। लेकिन इसका जो पहनावा अगर आप देखोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा, आखिर ये क्या साबित करना चाहती है ऐसे पहन के। समझ सकती हो कि ऐसे ऐसे व्यक्ति की वजह से जो है सो भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे ऐसे स्त्री की वजह से, आप जरा खुद सोचो। और ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो है सो पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, मुझे तो आश्चर्य लगता है। अगला अगर आप बात करोगे तो ये देखिए, एक ये भी बॉलीवुड की अपने आप को क्वीन जो है सो मानने वाली है, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि ये लड़की के आखिर दिमाग में चल क्या रहा है। उर्फी जावेद, आखिर इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऐसे ऐसे ड्रेस पहन के आती है जिसके बारे में आप भली भांति आप जानते होंगे, इसके ड्रेस को कौन नहीं जानता होगा। ये ऐसे ऐसे ड्रेस पहन के आती है, ऐसे जो है सो भारत सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर रही है। इसके वजह से जो है सो अपने भारत के माँ बेटी पे या किसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा जिसके बारे में आप गेस नहीं कर सकते हो। केवल दो चीज जो है सो इसका ढका रहता है, वो भी जो है सो दिखाई ही देता है, वो भी दिखता ही रहता है, केवल थोड़ा थोड़ा दिखाई देता रहता है, केवल दो चीज ढका रहता है, अदरवाइज पूरे जो है सो खुले आम है। आप देख सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार की ये क्लोथ्स जो है सो क्या करती है, पहनती है। क्या यही है भारत का संस्कृति? यही सब जो है सो अपने भारत की संस्कृति को जो है सो बर्बाद करने में लगी है। आज इसी की वजह से जो है सो भारत की संस्कृति क्या होती जा रही है, तो बर्बाद होती जा रही है दोस्तों। ये केवल अपने आप को बॉलीवुड क्वीन मानती है। आप इस सभी के बारे में आपका क्या राय है, आप नीचे अवश्य कमेंट कीजिएगा। इस सभी के बारे में तो आप सही से जान लीजिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ जया किशोरी जी के बारे में। दोस्तों, मैं इसका क्या तारीफ करूँ, इसका तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने का समान है। ये ऐसे लड़की है जिसके बारे में जितना तारीफ करे उतना कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बताया कि इसका तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने का समान है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग भी इससे बहुत ही ज्यादा क्या करते होंगे, प्यार करते होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं उसी समय से इसको फॉलो करता हूं जब जया किशोरी मैडम बहुत ही मतलब छोटे थे और उस समय में बहुत ही ज्यादा वो मोटी थी। लेकिन अब तो ये इतना ज्यादा सुंदर लगती है देखने में, अब समझ लीजिए ये स्वर्ग की अप्सरा जैसे लगती है देखने में। और दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बोला कि इसका तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने का समान है। दोस्तों, अगर अपने भारत में अगर इसके जैसे 10 लड़की हो जाए ना, तो समझ लीजिए भारत का जो
है सो कल्चर अभी भी जो है सो सही हो जाएगा। आप जरा सोचो, जो भी ये बॉलीवुड क्वीन है ना, क्या इससे क्या खराब है? अब बताओ, इसका पहनावा ओढ़ावा, कोई भी व्यक्ति को जो है सो मोटिवेट करना, इसका बोलने का कैपेसिटी, इतना ज्यादा इसमें गुण है ना, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इसका तारीफ अगर जितना करोगे ना उतना कम हो जाएगा। मैं इसको बहुत ही इज्जत करता हूं, मैं दिल से इज्जत करता हूं और आप भी करते होंगे। अभी भी अगर सोशल मीडिया पे अगर मैं डाल दूं ना, एक तरफ मैं बॉलीवुड की ये नचनिया पार्टी को मैं डाल दूं और एक तरफ जया किशोरी जी को डाल दूं ना, तो सबसे ज्यादा अगर लाइक अगर कॉमेंट अगर आया ना, तो अगर जया किशोरी जी का नहीं आया ना, फिर आके जो है सो इस चैनल पे मुझे आगे बताइएगा दोस्तों। अभी मुझे विश्वास है और मैं जानता हूं कि अभी भी अपने भारत में उसी का इज्जत होता है जो अच्छी है, जो पवित्र है, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति जानती है, जो हमेशा दूसरे के बारे में जो है सो समझती है, अपना पहनावा ओढ़ावा सही ढंग से जो है सो करती है। आज उसी लड़की का जो है सो अपने भारत में अभी भी क्या है, इज्जत है। भले ही जो है सो कुछ समय के लिए इस बॉलीवुड नचनिया पार्टी को कोई भी इंसान अच्छा कह दे कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में जो है सो इन्हीं महान जो है सो लड़की का जो है सो क्या किया जाता है, इज्जत किया जाता है। अभी भी जो है सो अपने भारत में इज्जत किया जाता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग अभी बहुत ही ज्यादा हम पे क्रोधित होंगे, क्योंकि दोस्तों मैं जया किशोरी जी को मैं बॉलीवुड नचनिया से जो है सो मैं तुलना कर दिया। कहां जया किशोरी जी और ये कहां बॉलीवुड की नचनिया पार्टी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, ये साक्षात क्या है, ये सीता है और मैं इसके साथ में कैसे तुलना कर दिया। इसलिए मैं आपसे दोस्तों दिल से मैं क्षमा मांगता हूं। मैं इसलिए जो है सो इसके साथ कंपैरिजन किया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था, मैं अपने भारतवासी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी उसी लड़की का जो है सो इज्जत होता है जो मतलब जया किशोरी जी जैसे है। अभी भी अगर इसके जैसे आप रहोगे, अभी भी जो है सो अपने भारत में उसी को जो है सो ज्यादा इज्जत किया जाता है, ये मुझे बताना था दोस्तों। और मैं जया किशोरी जी से मैं दिल से जो है सो मैं माफी मांगता हूं कि अगर आपको अगर कोई तरह का अगर मेरे वजह से अगर प्रॉब्लम हो कि मतलब मैं बॉलीवुड नचनिया के साथ में आपको कंपैरिजन कर दिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और मैं आपको मैं दिल से नमन करता हूं। आपके जैसे लड़की को जो है सो अपने भारत में बहुत ही जरूरी है। अगर आपके जैसे लड़की है ना अपने भारत में, तो समझ लीजिए अपना भारत जो है ना सो बहुत अच्छा है और अपने भारत को अच्छा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आपका क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, आप नीचे अवश्य कॉमेंट कीजिएगा। तो आपको ये भी बताना है कि जो चीज में आप लोगों को बताया वो बात सही है या गलत है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।